रानीखेत से तस्करी कर हल्द्वानी लाया जा रहा 700 टन लीसा वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने हल्द्वानी के हाइडेल गेट के पास से लीसा भरा ट्रक बरामद किया। पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया कि रानीखेत के मझखाली से आए इस ट्रक में 700 टन लीसा भरा है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने ट्रक को रेंज कार्यालय में खड़ा कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक लाखों रुपए के इस अवैध लीसे की तस्करी से संबंधित जांच की जा रही है। बताते चलें कि पहाड़ में चीड़ के पेड़ों से उत्पादित लीसे का वैधानिक दोहन वन विभाग के माध्यम से होता है, लेकिन पहाड़ी जिलों में कई लीसा तस्कर गिरोह सक्रिय हैं। जांच के बाद मामले पर कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आपके क्षेत्र में एक लीसे की गाड़ी आ सकती है, तो हमारे द्वारा अपने सारे स्टाफ को सतर्क किया गया। हाइडल गेट के पास हम लोग बैठ गए, हमें एक गाड़ी आती दिखाई दी, लाल रंग की कैंटर थी, उसको रोका तो उसके द्वारा गाड़ी को भगाया गया। उसका थोड़ी देर पीछा करने पर हमने उस गाड़ी को पकड़ लिया और ड्राइवर को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह लीसा वो मछखाली रानीखेत से ला रहा है। उस गाड़ी को हम अपने सुरक्षा कार्यालय ले आए हैं। उसमें कितना टिन लीसा है इसकी जाँच की जा रही है। ड्राइवर द्वारा बताया गया कि लगभग 700 टिन लीसा इसमें है।